मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में 18 मई को परिवर्तनशील मौसम रहने के साथ दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल मेघ गर्जन तेज हवाएं धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 5 से 29% तक हो सकती है। हवा की औसत गति 5 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए किसान भाई बिजाई का कार्य अगर संभव हो तो 18 मई के बाद मौसम साफ होने की स्थिति पर करें। बीटी कपास की बुआई का सर्वोत्तम समय 1 मई से 20 मई तक है। बीज की मात्रा 450 ग्राम प्रति बीघा रखें। कतार से कतार की दूरी 67.5 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। सड़ी हुई गोबर की खाद 25 क्विंटल या वर्मी कंपोस्ट 10 क्विंटल या सिटी कंपोस्ट 10 क्विंटल पहली जुताई के पहले प्रयोग करें। इसके अलावा यूरिया 20 किलोग्राम एमओपी 12 किलोग्राम जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट 62 किलोग्राम बुआई से पहले अंतिम जुताई के बाद प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। धान की सीधी बुआई करने से रोपाई की तुलना में 25 से 30 श्रमिक प्रति हेक्टेयर बचत होती है क्योंकि पौध तैयार करने और रोपाई की जरूरत नहीं पड़ती है। समय से धान की बुआई संपन्न हो जाती है जिससे रबी फसलों की समय से बुआई की जा सकती है। धान के स्वस्थ बीज को छांटने के लिए नमक के घोल में उपचारित करने के लिए 1 किलोग्राम नमक को 10 लीटर पानी में घोल दें। घोल में ऊपर तैरते बीज को अलग निकाल दिया जाए तथा नीचे बैठे स्वस्थ बीजों को अलग कर सदा पानी से धो लेना चाहिए। 1 बीघा रोपाई के लिए 100 वर्ग मीटर में नर्सरी लगाएं। इसमें 250 किलोग्राम गोबर की खाद 2 किलोग्राम यूरिया और 8 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालें। इस क्यारी में 6 किलोग्राम उपचारित बीज छिड़कवा विधि से डालकर उसे हल्की सी मिट्टी या गोबर की खाद से ढक दें। नर्सरी में बुआई का उपयुक्त समय मई का दूसरा पखवाड़ा है। क्यारी हमेशा तर रखी जाए और पानी 1 इंच से ज्यादा नहीं खड़ा रखना चाहिए। जिन खेतों में जड़ गलन रोग का प्रकोप अधिक होता है उन खेतों के लिए बुआई से पहले 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर छाया में रखें। इस मिश्रण को बुआई के समय 1 बीघा में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। तापमान अधिक होने की संभावना को देखते हुए किसान भाई सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम के समय करें और इसके बाद छायादार स्थान पर रखें। बागों में केवल शाम या सुबह के समय सिंचाई करें। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए फसल अवशेष पुआल पॉलीथीन के साथ मल्चिंग करें। नींबू वर्गीय नए बागानों के लिए 6x6 मीटर की दूरी पर 1x1x1 आकार के गड्ढों की खुदाई करें। चूजे गर्मी के मौसम में संवेदनशील होते हैं इसलिए चूजों को कम स्थान में अधिक संख्या में नहीं रखें और चूजों को गर्म हवा से बचाने के उपाय करें। गर्मी से मुर्गियों और चूजों को बचाने के लिए मुर्गी घर के चारों ओर बोरी लगा देनी चाहिए। वहीं स्प्रिंकलर लगाकर इन बोरियों पर सुबह शाम पानी का छिड़काव कर गीला करें। गर्मी के तनाव को कम करने के लिए फीड में विटामिन सी के पूरक अवयवों का उपयोग करें।